हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एफके उर्दू क्लासेस पर। तो आज हम देखेंगे बीए पार्ट सेकंड एग्जामिनेशन 2023 का उर्दू का पेपर देखेंगे। ये पेपर फर्स्ट है जो कोटा यूनिवर्सिटी का है, इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दे, और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे और इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। सौ नंबर का ये पेपर था, 3 घंटे में करना था इसको, और ये इसके निर्देश दे रखे हैं। सेक्शन ए में 10 नंबर के क्वेश्चन है, एक एक नंबर के, और सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन है जिसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं अटेम्प्ट, और वह है 10 नंबर के, और 250 वर्ड्स में इसका जवाब देना है। और सेक्शन सी में है 40 नंबर के 2 क्वेश्चन, 20-20 नंबर का 1 क्वेश्चन है, इसमें से भी 4 में से 2 क्वेश्चन करने हैं, और तसरी का सवाल इसमें लाजमी है सेक्शन सी में। नोट, हर यूनिट से एक सवाल लाजमी है, कुल 5 सवालों के जवाब लिखिए, हर सवाल के नंबर मुसावी है, सवाल नंबर उसे सभी सवालों के जवाब मतलूब है। सेक्शन है, इसमें फर्स्ट सवाल है, मुंदरजा जेल सवालों के जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 20 अल्फाज में तहरीर कीजिए, यानी कि इसका जवाब 20 लफ्ज़ों से ज़्यादा न हो। फर्स्ट सवाल है हमारा, लाहौर का जग्राफिया सबक के मुसन्निफ़ का नाम है। तो लाहौर के जग्राफिया मुसन्निफ़ का नाम है, सबक के मुसन्निफ़ का नाम है पतरस बुखारी। पतरस बुखारी। सवाल नंबर दूसरा है हमारा, शेख पीरो का खाका किसने लिखा है। तो शेख पीरो का खाका रसीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है। सवाल नंबर तीन है हमारा, गुज़श्ता लखनऊ सबक में किस बादशाह का किस्सा बयान हुआ है। तो जवाब है इसका वाजिद अली शाह का। सवाल नंबर चौथा है हमारा, बाबा उर्दू के लकब से किसे शनाख्त किया जाता है, यानी कि किसे जाना जाता है। तो जवाब है इसका मौलवी अब्दुल हक को जाना जाता है बाबा उर्दू के नाम से। सवाल नंबर पाँच है हमारा, इलामा सुबली नुमानी के 2 तसानीफ़ के नाम लिखिए। जवाब, इनके 2 तसानीफ़ के नाम है अल फारूक और दूसरे का नाम है अल मामून। सवाल नंबर सिक्स है हमारा, उर्दू लिटरेचर के अनासर खमसा में शामिल 5 मशहूर अदीबों के नाम बताइए, के नाम लिखिए। जवाब, आज़ाद, हाली, सर सैद, मौलवी नज़ीर अहमद और सुबली नुमानी, ये 5 शायरों के नाम लिखने थे हमें। सवाल नंबर 7 है हमारा, बेवा नावल में शामिल 2 मर्द किरदारों के नाम लिखे, यानी कि 2 मर्दों के जो किरदार हैं उनके नाम लिखे हैं, लिखने हैं। जवाब है इसका नंबर फर्स्ट अमृत राय, और नंबर सेकंड है पंडित बसंत कुमार। सवाल नंबर 8 है हमारा, उर्दू के 2 मशहूर मकतूब निगार अदीबों के नाम लिखिए। जवाब है इसका गालिब और महदी अफादी। सवाल नंबर 9 है हमारा, हाली का पूरा नाम और सन विलादत तहरीर कीजिए। जवाब, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली इनका नाम है, और 1837 ईसा में पानीपत में ये पैदा हुए, यानी इनकी विलादत हुई है। सवाल नंबर 10 है हमारा, पर्चा अवध पंच के एडिटर का नाम लिखिए। तो इसके एडिटर का नाम है ब्रज नारायण चकबस्त। सेक्शन बी आता है अब हमारा, सेक्शन बी, इसका नोट को पढ़ते हैं हम। नोट, दर्जा जेल में से सिर्फ 5 सवालों के जवाब तहरीर कीजिए, हर यूनिट से एक सवाल का जवाब देना लाजमी है, यानी कि एक सवाल का जवाब देना लाजमी है, 5 यूनिट है उनमें से, और जवाब ज़्यादा से ज़्यादा 250 अल्फाज पर मुश्तमल हो, यानी कि 250 वर्ड्स में इसका जवाब देना है। तो यूनिट नंबर फर्स्ट आती है हमारी, इलामा राशिद अलखेरी की नसर निगारी पर रोशनी डालिए, और इसका जवाब मैंने नीचे दे रखा है। इसके पहले हम इसके ये सवाल पढ़ लेते हैं, बाद में इनका जवाब देखेंगे। तो ये मैंने इनके एक क्वेश्चन बताए थे पेपर देने जाने से पहले, ये क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि ये आने वाला है, और ये आया भी सही, और यह वाला कर सकते हो आप इसमें,
तो दूसरे नंबर का है पतरस बुखारी की मजाह निगारी पर रोशनी डालिए, इसका जवाब हम बाद में देखेंगे। इसका जवाब है ये राशिद अलखेरी की नसर निगारी पर रोशनी डालिए। तो ये राशिद खेरी के बारे में है, तो आप इसको अच्छे से, मैं इसकी PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से देखकर इस समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको इसका ये पूरे पढ़ का बताऊँगा समझाऊँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप ये देख लेना। हमारा यह वाला नंबर का सवाल था पतरस की मजाह निगारी पर रोशनी डालिए, तो ये पतरस की मजाह निगारी के बारे में बता रखा है। तो पतरस की मजाह निगारी का जायज़ा खालिस मजाह, ख्याल की नदरत और अल्फाज का इंतखाब, फिक्र अंगेजी। अब आता है हमारा यूनिट नंबर सेकंड, इसका तीसरा सवाल है उर्दू लिटरेचर के नासिर खमसा के हवाले से मेहदी अफादी की नसर निगारी पर रोशनी डालिए, इसका जवाब भी नीचे है। और यह वाला सवाल देखते हैं हम, गुब्बारे खातिर के हवाले से मौलाना अबू अल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी की खसूसियात बयान कीजिए। तीसरी यूनिट है हमारी, यूनिट नंबर थर्ड, सवाल नंबर चौथा है इसमें, फ़न नावल निगारी के हवाले से बेवा नावल की फ़नी खसूसियात पर रोशनी डालिए। ये सभी सवाल जो मैंने आपको पहले बता दिए जो आए हैं इस पेपर में, अगर आप उन सवालों को देखते तो आपका पेपर और अच्छा होता। अगर जिसने देखे होंगे उसको तो मज़ा आ गया होगा, उसका पेपर अच्छा गया होगा। इसका यह वाला सवाल देखते हैं हम, बहिसियत नावल निगार प्रेमचंद के फ़न पर तबसरा कीजिए, यानी कि इसमें प्रेमचंद के नावल के बारे में बताना है हमें। अब इसका जवाब देखते हैं हम, उर्दू लिटरेचर के नासिर खमसा मेहदी अफादी ने लिखा है, यह है जो हमारा क्वेश्चन पूछा था उस पर, उसका जवाब है यह इक्तबास मुसन्निफ़ का वाला ये दे रखा है, आप इसको देख लेना। और हमारा अगला सवाल पूछा था उसने अबू अल कलाम आज़ाद की समान हयात, यानी कि अबू अल कलाम के बारे में पूछा था, जिसका जवाब है ये और बेवा नावल का तनकीद जायजा जायजा दे रखा है ये। इसमें से जो चैप्टर छूट गए थे हमारे, अब इसके बाद मैं उन पर वीडियो बनाकर डाल दूंगा। और इसमें यह है किरदार निगारी, पुरना का किरदार, प्रेमा का किरदार और अमृत राय का किरदार, और मकालमा निगारी, मंजर कसी। इसमें से मैं मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको। छठे नंबर का पॉइंट है यह जजियात निगारी, और सातवें नंबर का पॉइंट है यह मकसद। और यह है हमारा अगला क्वेश्चन का जवाब, प्रेमचंद की नावल निगारी पर रोशनी डालिए, तो यह रोशनी है मतलब इनके बारे में बता रखा है ये, जो हमारी ये सीरीज़ में था, प्लॉट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी और हकीकत निगारी। ये आपको पॉइंट बना बना के लिखने थे, सादा निगारी, सादा निगारी और परवाज़े तखिल और अमीक फिक्र। तो चौथी यूनिट आती है हमारी, यूनिट नंबर चार, और ये पांचवा नंबर का सवाल है हमारा, उर्दू नावल की अजाय तरकीब बयान कीजिए, तो इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में। और अगला सवाल है हमारा उर्दू नावल की तारीख पर रोशनी डालिए, इनकी वीडियो भी मैंने बनाकर डाल रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप देख लेना इसी चैनल पर है। और यूनिट नंबर फाइव है हमारी, पाँचवी यूनिट है, इसका सवाल है छठा नंबर का, उर्दू में मज़मून निगारी की रवायत पर रोशनी डालिए, यानी कि रोशनी डालना है इसमें मज़मून निगारी, मज़मून कैसे लिखा जाता है और इसकी इब्तिदा कैसे हुई, कब से लिखना स्टार्ट हुआ, इसके बारे में ये बताना था हमें। और यह वाला सवाल है हमारा, दर्ज जेल में से किसी एक अनवान पर मज़मून लिखिए, यानी किस में से एक अनवान पर आपको मज़मून लिखना था। नंबर फर्स्ट है हमारा राजस्थान में शेर व अदब के मराकज़, नंबर सेकंड है हमारा उर्दू गज़ल की मकबूलियत के असबाब, और नंबर थर्ड है हमारा आपका पसंदीदा खाका निगार, यानी कि इसमें आपका पसंदीदा खाका निगार के बारे में लिखना था, यानी कि ये खत वत लिखने वाला है उनके बारे में। इसका जवाब अब मैंने नीचे दे रखा है, नावल के अज्जाए तरकीब, ये हमारा क्वेश्चन आया था और इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है मैंने, तो आपने
देखना था वो आपको। ये इसमें आता है किस्सा, प्लॉट, किरदार निगारी, मकालमा निगारी और ज़बान व मकान, मंजर निगारी, नुक्ता नज़र और ज़बान आठवा है। और अगला क्वेश्चन पूछा था उसने उर्दू नावल की तारीख, तो ये उर्दू नावल की तारीख है। इसमें शायर आएंगे ये नज़ीर अहमद और रतन नासर सार और अब्दुल अलीम सरर और सजाद हुसैन, और अगला शायर है मिर्ज़ा हादी रसो, राशिद अलखेरी, प्रेमचंद। तो ये शायर हैं। मज़मून नवेसी और उसके असूल व आदाबी, हमारा अगला सवाल का जवाब है, यानी कि मज़मून कैसे लिखा जाता है उसका बारे में है ये। मज़मून की शुरुआत कैसे हुई, मज़मून के शायर कौन है, मज़मून लिखने से पहले क्या क्या टॉपिक होते हैं, तमहीद होती है, नक्शे मज़मून होता है, अख्ताम, ये तीन पॉइंट होते हैं, इनके बारे में दे रखा है ये। पहला सवाल था ये पसंदीदा खाका निगार, तो ये पसंदीदा अदीब हाली बहसियत सवाना निगार, सवाना यानी खाका ही होता है, यानी कि मैंने इसका ये डाल रखा है, तीन में से एक करना था जिसमें से यह सवाल का जवाब है पसंदीदा खाका निगार के बारे में, तो आप ये देख लेना। और हमारा सेक्शन आता है सी, सेक्शन नंबर सी आता है हमारा, यानी कि 40 नंबर का, इसमें से 20-20 नंबर के एक सवाल है, तो दो सवाल करने थे हमें इसमें। सवाल नंबर 7 है दर्ज जेल नसरी इकतबासात में से किसी एक इकतबासात की तशरीह मियाँ सियाक व सबक के कीजिए, यानी कि इसकी तशरीह करनी है हमें, यानी कि इकतबास दे रखा है अलिफ़ अमन व अमान और तमदनी बरकात के अहद में कानून का मनसा, तो ये इकतबास है, इसकी तशरीह करनी थी हमें। अगला इकतबास, दूसरा इकतबास है हमारा ये है, दूसरा इकतबास है हमारा ये है अमृत राय ने पुरजोर नज़र से ताकते हुए कहा, यानी कि ये प्रेमचंद का नावल बेवा से लिया गया है, वह किरदार है यह और बेवा से लिया गया है, उसके बारे में तशरीह है, इसको करना था। और हमारा तीसरा नंबर का इकतबास है ये दुनिया में इमारत के शौकीन हज़ारों बादशाह गुजरे हैं, यानी कि वाजिद अली शाह के बारे में बताया हुआ है इस इकतबास में, तो यह ब्रज नारायण चकबस्त का इकतबास है जो ये वाजिद अली शाह के बारे में बताया हुआ है, तो इसकी तशरीह मैंने नीचे दे रखी है। और आठवां नंबर का सवाल है हमारा अपने निसाब में शामिल मुंदरजा जेल असबाब में से किसी एक का जामा खुलासा तहरीर कीजिए, यानी कि इन तीनों में से एक का खुलासा लिखना था हमें, तो ये यारबास, हाली और औदपंच, इनमें से हमें तीन में से एक का खुलासा लिखना था। ये मिर्ज़ा फरत अल्लाह बेग ने लिखा है यारबास, इसका खुलासा लिख सकते हो आप। और दूसरे नंबर का है हाली, मौलवी अब्दुल हक ने लिखा है इसको, और के लेखक के मतलब इसके ये शायर। और ये तीसरा नंबर का है हमारा अवध पंच जो ब्रज नारायण का इकतबास है, तो इनकी तशरीह है हमारा, तो इसकी तशरीह है हमारी ये दुनिया में इमारत के शौकीन हज़ारों बादशाह गुजरे हैं मगर गालिबन अपनी ज़ात से किसी ताजदार ने इतनी इमारतें और इतने बाग न बनवाए होंगे जितने कि वाजिद अली शाह ने अपनी नाकाम ज़िंदगी और बराए नाम शाही के मुख्तसर ज़माने में बनवाए। शाहजहाँ के बाद इस 12 खास में अगर किसी का नाम लिया जा सकता है तो वह किसी इसी सितमज़ादा बादशाह औद का नाम है। ये और बात है कि कोई ख़ास इमारत सैकड़ों हज़ारों साल बाकी रहे और किसी की सीधा इमारतें ज़माने ने चंद ही रोज़ में मिटा के रख दी है, ये इसकी तशरीह। ये इकतबास अब्दुल हलीम सरर के मजमून गुज़िश्ता लखनऊ से लिया गया है, और इसकी तशरीह में ये तशरीह लिखनी थी हमें।
फिर ये सियाक व सबक्का वाला लिखना था फर्स्ट नंबर पे, फिर मुश्किल अल्फाज भी लिख सकते हो आप, फिर तसरी और फिर तज़िया लिखना था आपको। तो ये चार पॉइंट थे हमारे जो लिखने थे आपको, और तीन तसरी में से एक तसरी करनी थी, और ये हमारा खुलासा का टॉपिक आता है, उसमें से ये मैंने फर्स्ट खुलासा, ये तीसरे नंबर का खुलासा दे रखा है अवध पंच का, पंडित ब्रजनारायण चकवस्तु के, इसके लेखक है ये पंडित ब्रजनारायण चकवत, इसके मुसन्निफ़ है। तो आप इसको देखना, मैं इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये खुलासा है। तो ये हमारा पेपर का सॉल्यूशन था। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब करें, और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें।